माँ मुझे रीति रिवाज की समझ नहीं है, अपुति मेरी बड़ी बहन है, मुझे मन किया गिफ्ट देने का। सो ओके फाइन, तुम्हें रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्या तुमने पहले अर्षी को दिखाया? नॉट राइट नाउ। अपुति हाथ दिखाइए। हाउज इट? बहुत सुंदर। तो बहुत एक्सपेंसिव। अरे वाह, रेडी अपुति? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीरियल झनक के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि अप्पू की विदाई के दौरान क्या क्या होता है। दिखाओ तो अपुदी के लिए क्या लिया? एक ब्रेसलेट लिया मैंने। अपुदी दिखाओ। देखो देखो कितनी अच्छी बैंगल है। इसे बैंगल कहते हैं? ये ब्रेसलेट है बेटा। हाँ वही होगा कुछ। अर्षी बेटा, इससे पहले कभी अप्पू को ऐसे गिफ्ट नहीं मिले ना, इसलिए इसे नहीं पता। हाँ, अप्पू को ये सब नहीं पता क्योंकि उसकी माँ के पास ऐसे गहने नहीं थे। अप्पू की शादी की रस्में पूरी हो रही होती हैं और सभी लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, लेकिन अचानक झनक नाचते नाचते गिर जाती है। अब सवाल ये है कि झनक की बेहोशी के पीछे क्या राज है। दरअसल ये सब कुछ अर्षी के प्लान का हिस्सा है, अर्षी ने झनक को गिराने और इसलिए नहीं पता। आपके पास नहीं थी माँ, लेकिन बेटी के पास तो है ना, अनी के बदौलत। हाँ विपाशा, अप्पू की माँ के पास तो ऐसे गहने नहीं थे, पर तुम्हारे पास तो है ना, तो तुमने कभी अप्पू के साथ क्यों नहीं बांटे? खैर रहने दो, आज हम बहस नहीं करते। माँ, अप्पू दी को कभी गहनों की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए उसके साथ बड़ा हादसा करने की पूरी प्लानिंग बनाई है। इसी दौरान झनक का मिसकैरेज हो जाता है, वो पूरी तरीके से टूट जाती है। झनक की सिचुएशन को देखकर आनंद भी दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को सबके सामने नहीं दिखा पाता। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि झनक के इस हादसे के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई है और वो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई चली जाएगी। मुंबई जाकर झनक अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी और वहाँ का माहौल उसे राहत देने वाला है। वहीं अप्पू के परिवार वाले कोलकाता पहुंचेंगे और वहां बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। इस खास मौके पर अर्षी को बहुत ही खुशी होगी क्योंकि उसे लगेगा कि अब उसकी और अनिरुद्ध की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा यानी कि झनक उससे बाहर निकल गई है। लेकिन दोस्तों, दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा की कृपा से अर्षी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इससे अनिरुद्ध का अर्षी के प्रति बर्ताव हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की एक झलक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।